कार्तिक महातम दूसरा अध्याय। तो कार्तिक महातम 35 दिन का है और महीना लगभग 30 दिन का होता है, 5 अध्याय ज़्यादा हो जाएगा, फिर उद्यापन विधि इत्यादि और ज़्यादा हो जाएगा। तो आवश्यक माने कि अपना सुविधा के अनुसार एक अध्याय या दो अध्याय तीन अध्याय कर करके आप 30 दिन में पूरा सुन लीजिए, सुना दीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़वा लीजिए, जो सुविधा है कर लीजिए। तो कार्तिक महात्म का दूसरा अध्याय दे रहे हैं। गुणवती जी की कथा है, यानी कि सत्यभामा श्री कृष्ण की कहानी चल रही है, और सत्यभामा जी जो हैं सो श्री कृष्ण जी से पूछिन है, और श्री कृष्ण जी जो हैं सो सत्यभामा जी को समझा रही हैं, और यानी कि उनके पूर्व जन्म का पिछले जन्म की कहानी बतला रहे हैं। तो ध्यान देकर सुनिए आप लोग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कहे कि हे देवी, गुणवती अपने पिता एवं पति को राक्षसों के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी, हा नाथ हा पिता करने लगी, यानी कि उनके पति और पिता दोनों मारे गए, हाय हाय करने लगे। मुझको त्याग कर आप लोग कहाँ चले गए, मैं अकेली रह गई हूँ तुम्हारे बिना, अब मैं क्या करूँ, अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा, घर में अब हमको प्रेम से स्नेह से कौन रखेगा, कौन मेरी देखभाल करेगा, कौन मेरा लालन पालन पोषण करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ रहूँ, इत्यादि तरह तरह के बातें बोल बोल कर विलाप करने लगी। अब जीना रहना मुश्किल है, कठिन है, इस तरह रोती और बिलखती गुणवती पछाड़ खा कर करके पृथ्वी पर गिर गई और मूर्छित हो गई, देर तक पड़ी रही। फिर जब होश आई तो पहले की तरह अत्यंत करुण विलाप करके शोक सागर में डूब गए। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता तथा पति की मृत्यु हो चुकी है, तो उनकी क्रिया करनी चाहिए ताकि उनको सदगति हो। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी, कारण कि आश्रम में रहती थी, बड़े घर की नहीं थी, और दो दो कार्य करना था, इसलिए उनको ये सब बेचना पड़ा। और दूसरे कारण ये भी हुआ कि वो अपने जीवन से और धन से लोभ खत्म हो चुका था, इसलिए अब सब हटा दिए, और उसे जो पैसा मिला उसे अपने पिता और पति की श्राद्ध क्रिया अच्छी तरह से कर दिए। उसके बाद उसी नगर में रहने लगी, भगवान विष्णु की भक्ति में आठों पहर मैं 24 घंटा रहने लगे दिन रात, और उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारे 81 व्रत को किए, मैंने बचपन से लेकर अंत तक 81 व्रत किए, कार्तिक महात्म किए, मैंने व्रत किए, उपवास किए। तो अब श्री कृष्ण कहते हैं कि एकादशी और कार्तिक व्रत बहुत प्यारा है, उनको बहुत महत्व है, ये भुक्ति मुक्ति पुत्र संपत्ति सब कुछ देने वाला है, पवित्र करने वाला है। तो जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है, अर्थात सूर्य के अनुसार कार्तिक मास, चंद्रमा के अनुसार और सूर्य के अनुसार, तो सूर्य के अनुसार कार्तिक मास आपको विश्वकर्मा पूजा जो हो गया आपको 17 सितंबर, उसके एक महीना बाद 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक, 16 नवंबर तक आपको सूर्य के अनुसार कार्तिक महीना होता है, और इसी महीना का महत्व दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग विशेष करके चंद्रमा वाला कार्तिक को ही मान्यता दे करके उसी को करते रहते हैं, लेकिन इसी में आपको सूर्य के अनुसार दिया है। तो ऐसे में आपको सुबह उठ कर करके स्नान करना है, व्रत करना है, उपासना करना है। मैं सूर्योदय के समय वह मुझे बहुत ही प्यारी है, मैंने विष्णु भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी हो तो भी स्नान करने से व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो उसका पाप खत्म हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान करते हैं, जागरण करते हैं, माने रात को जगते हैं और दिन में नहीं सोते हैं, दीप दान करते हैं, मैं रात्रि में दिया का दान करते हैं, अर्थात
निस्वार्थ भाव से जनता के कल्याण के लिए ऐसे जगह पर दिया जलाया जाए जिससे कि आम जनता को, राहगीर को प्रकाश का लाभ मिल सके। तथा तुलसी वृक्ष की जो रक्षा करते हैं, रोपते हैं, पटवन करते हैं, बचा कर रखते हैं, वह साक्षात विष्णु भगवान के समान हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक महीना में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाने का मतलब न कि झाड़ू लेकर झाड़ू आदि जल्दी हो गए, नहीं, झाड़ू लगाने का मतलब नीचे से ऊपर तक पूरा विधिवत बढ़िया से साफ सुथरा रखना हुआ, शाब्दिक अर्थ हुआ, और ये विस्तार से उसका मतलब हो गया कि झाड़ू लगाने का मतलब मंदिर को सफाई करना। और स्वस्तिक बनाते हैं और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाता है। स्वस्तिक बनाने का मतलब स्वस्तिक हुआ, ओम हुआ, और उस तरह से मंगल चिन्ह हुआ, हाथी, मयूर इत्यादि बहुत सारे वो सब चित्रकारी कर करके मंदिर के सजावट को बढ़ा देते हैं, झालर वगैरह फूलमाला लगा कर करके, यानी कि मंदिर की सफाई करना और उसका सजावट करना, ये सारे कार्य उसके अंतर्गत आ गए। तो इससे पापी का पाप खत्म होता है, जीवन मुक्त हो जाता है, मैंने जीवन से मुक्ति मिलती है, मैं जीवन में जो होने वाले कष्ट से मुक्ति मिलती है। यानी जीवन से मुक्ति के मतलब ये न हुआ कि मर जाते हैं, मरना बड़ा शुभ शब्द होता है, मुक्ति पाना शुभ शब्द होता है। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगा करके कार्तिक का व्रत भगवान विष्णु का पूजन करने लगे ना। तो गुणवती भी जो हैं सो भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो विष्णु भगवान बोले कि हे प्रिय, एक बार वह ज्वर ग्रस्त थी, माने पिछले जन्म में सतभामा पिछले जन्म में गुणवती थी, अब उनका अंत समय आ गया, उनको बुखार की बीमारी हो गया, वो दुबली पतली हो गई और गंगा स्नान करने के लिए चली गई। गंगा तक पहुँच नहीं वाली थी कि जारा बुखार आ गया और वो काँप कर वहीं पर शिथिल हो गई, यानी कि समाप्त हो गई। तो उनकी मुक्ति मिल गया, अर्थात भगवान विष्णु का नौकर जाकर पार्षद लोग कहलाते हैं, वो लोग उनके लिए आ गए और उनको बड़े इज्जत सम्मान से दिव्य रथ पर बिठा कर करके वैकुंठ में जहाँ भगवान श्री कृष्ण विष्णु रहते हैं वहाँ उनको ले गए, उनके धाम चले गए उस और वहाँ आनंद पूर्वक रहने लगी। फिर जब कुछ समय बीता, आगे कहानी लीला बढ़ी, तो ब्रह्मा आदि देवता उनको प्रार्थना किए कि अब आप जो हैं सो श्री कृष्ण रूप में अवतार लीजिए। तो भगवान विष्णु जो हैं सो श्री कृष्ण रूप में अवतार लिए और उनके जो गण लोग जो हैं, नौकर चाकर सेवकिया लोग, सर्वेंट लोग, वो लोग जो हैं सो माने कि जादव कुल में, जादव के रूप में आसपास में जन्म ले लिए, उनको सहयोग देने के लिए, उनके लीला में शामिल होने के लिए। वह सब इस पृथ्वी पर जादव लोग कहलाए और तुम्हारे पिताजी पूर्व जन्म में जो देव शर्मा थे गुणवती के पिताजी, वह इस जन्म में अस्त्राजित श्राजित के नाम से हैं, और पूर्व जन्म में जो उनका पति जो चंद्र शर्मा नाम के थे वह जो है सो इस जन्म में आकू नाम से यहाँ पर हैं। मानो उनका भी जन्म हो गया, इनके जन्म हुआ तो सबका जन्म होने लगा। इसलिए हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है, यह कार्तिक व्रत का ही प्रताप है जिससे कि तू मेरी अर्धांगिनी बनी, यानी कि कार्तिक व्रत आजीवन करने के फल स्वरूप गुणवती जो है भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सतभामा के रूप में आई। पूर्व जन्म में सतभामा जो है सो मंदिर के पास तुलसी के पौधा लगाए थे, उसको रक्षा किए थे, तो इस जन्म में उनके दरवाजे पर कल्प वृक्ष मिला, लगाए और उसका लाभ उठाए। इस महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में वो तुलसी पेड़ खड़ा है। तुमने जो उस जन्म में दीप दान किए थे उसी के कारण सुंदर देह प्राप्त हुआ और शरीर की शोभा है, घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती हैं, माने कि अन्न धन किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पण कर दिया था, यानी कि गुणवती जो थे सो जितना जिंदगी में पुण्य कार्य किए थे वो भगवान विष्णु को दे दिए थे, समर्पण कर दिए, दे दिए,
और उनको विष्णु भगवान को पति रूप में स्वीकार कर लिए, इसीलिए अगला जन्म में उनको पति के रूप में श्री कृष्ण जी मिले। तो पूर्व जन्म में आजीवन जो व्रत किए थे उसी का परिणाम है कि इस जन्म में पूरा जिंदगी भर पति पत्नी के रूप में लोग रहेंगे, इनका कोई बिछोह वियोग न होगा। जैसे राम जी को बिछोह वियोग हुआ था, सीता हरण हुआ था, तो फिर धरती मैया समा गए, तो वाल्मीकि जी के यहाँ गए, ये सारी घटना घटी थी, माने कि शोक वियोग हुआ था, लेकिन वो सब घटना इनके साथ नहीं होगी क्योंकि कार्तिक व्रत आजीवन की थी। इस प्रकार जो कोई कार्तिक व्रत करेगा वह मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे हो जाएंगे। तो कार्तिक व्रत करने वाले भगवान विष्णु को, श्री कृष्ण जी को सतभामा की तरह प्रिय होंगे। वह लोग जो कि दूसरे जप तप जग दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के समान उनका फल बहुत थोड़ा होता है, यानी कि तप जग करने का जो फल है उससे 16 गुना फल आपको कार्तिक महात्म से प्राप्त होता है। इस तरह सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण ने चंद्र जी के महाराज से अपने पूर्व जन्म की पुण्य कथा सुन करके बहुत खुश हुए। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय, सत्यभामा जी की जय, कार्तिक महात्म की जय, कार्तिक महीना की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय, भोले हर हर महादेव। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छे कमेंट कर दीजिए। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर।